हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस के अवसर पर ईद मिला दुबनी का त्यौहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी तारतम्य में जबलपुर में भी बड़े हकीद के साथ ईद मिला दुबनी का पर्व मनाया गया। रात भर जगह जगह मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में महफिल का आयोजन किया गया। मोहरिया राजा चौक, चार खम्बा, नया मोहल्ला, ओमती मदन महल गढ़ा एवं मंडी मदार टेकरी में मोहम्मद आमिन कुरैशी, सदर हाजी इस्लाम कुरैशी, मोहम्मद नयाब कुरैशी, नौसाद कुरैशी, साकर कुरैशी के द्वारा महफिल आयोजित की गई। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि अभी आज से दो दिन कबल जबलपुर शहर में बहुत हर्षोल्लास के साथ दशहरा का पर्व मनाया गया और शांति सद्भाव के साथ संपन्न कराने के लिए तमाम आयोजन कमेटियां और प्रशासन का हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज हमारा ईद मिलादुन्नबी का भी पर्व चल रहा है, जो मोहसिन इंसानियत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मनाया जाता है। आपकी हमें विलादत का ये मौका है, जब सारे लोग इतनी बड़ी खुशी के साथ नाते पाक का नजराना पेश करते हुए बहुत हुस्न खूबी के साथ मोहब्बत का अकीदत पेश करते हुए लोग अपने जुलूस को आगे की तरफ ले जाते हैं और बढ़ते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह प्रशासन ने और हमारे शहर की जनता ने मिलजुल कर दशहरा के पर्व को मनाने में, संपन्न कराने में एक अहम किरदार अदा किया है, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर्व को भी इसी तरह मनाया जाएगा शांति के साथ और सब लोग मिलकर हर्षोल्लास के साथ ईद मिलादुन्नबी को कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाएंगे, उसके जश्न को कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाएंगे। और इस मौके पर ये भी हम अपील करना चाहते हैं कि झंडों को बेहरमती ना करें और जो आतिशबाजी करी जाती है वो भी अपने दायरों के अंदर रह के करें, जिससे कि हमारे शहर के अमन अमान में किसी भी किस्म की कोई खलन ना पैदा हो और हमारा ये मोहसिन इंसानियत का त्यौहार जो पूरी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन अमन का पैगाम देते हैं और जिसको पूरी दुनिया ने माना है कि मोहसिन इंसानियत के अलम्बरदार के रूप में माना गया है, उनके पर्व में कोई खलल ना पैदा हो और आज का ये हमारा पर्व भी कामयाबी की मंजिल पर पहुँचे। हम सब लोगों की तरफ से और आप KGN ग्रुप के चेयरमैन रमजान भाई मार्बल साहब की तरफ से, सरदार अयाज राइन साहब की तरफ से, मकबूल इजमी साहब की तरफ से, सिराज मास्टर साहब की तरफ से, तमाम इलाके के लोगों की तरफ से जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मिलजुल कर फिर से एक बार जबलपुर का नाम रोशन करेंगे और अमन शांति के साथ अपना ये पर्व मनाएंगे। याकूब अंसारी। आज मंडी मदार टिकरी राजा चौक मैदान में जश्न ईद मिलादुन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी जो कल निकाला जाएगा उसके कबल आज की रात जो है जमातुल कुरैश जामा मस्जिद मंडी मदार टिकरी की जानिब से एक जलसे का अहतमाम होता है, जिसमें हिंदुस्तान के उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बयान फरमाते हैं। आज की रात जो है बहुत बरकत वाली रात है, तमाम मुकद्दस रातों से बढ़ के आज की रात है, इसकी बड़ी फजीलत है। आज की रात में तमाम दुनिया, तमाम आलम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने की रात है, इबादत करने की रात है और अमन व अमान पहुँचाने की रात है। मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया है, आज उनकी रात है और कल जो है 12 रबी अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी, जो तमाम त्योहारों से बड़ा त्यौहार है, तमाम ईमान वालों के लिए बहुत बड़े जश्न का दिन है। कल जश्न ईद मिलादुन्नबी का जलसा निकाला जाएगा, जिसमें हमारी यही गुजारिश होगी कि हमारे मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश ने ये अपील की है कि ये इंसानियत का पैगाम दें, अपना जुलूस मोहम्मदी बड़ी शान व शौकत से निकाले, जो हमारी रिवायत रही है उसके मुताबिक निकाले, किसी को परेशान ना करें, किसी के खिलाफ नारेबाजी ना करें, जुलूस मोहम्मदी में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें, बम पटाखे ना फोड़ें, किसी को तकलीफ़ देने का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। अगर हम उनका जश्न मना रहे हैं, उनकी याद मना रहे हैं, तो हम अपनी सरकार की जो शान थी, जो सरकार की पहचान थी, इंसानियत, उसको कायम रखें।